जी की केमिस्ट्री पे कुछ बताने जा रही हैं। क्या क्या बता रही हैं जय? बिल्कुल सर, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री जो कि काफी सुर्खियां इस वक्त बटोर रही है, जो कि कल हमने चुनावी घोषणा पत्र के समय मंच से भी देखा, लेकिन अब इस पर मुख्यमंत्री ने भी तंज कस दिया। जरा बड़ी खबर एक बार देख लीजिए, आपको बता देते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है। पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जो कमलनाथ ने कल बात कही थी, उन्होंने कहा कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी वाली बात पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा। सवाल पूछा है सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से, ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि गाली खाना पड़े। तो देखिए एक अलग अंदाज में तंज कसा, पहले भी बंटाधार हुआ और ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि गाली खाना पड़े। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री जो कि कल हमने देखी चुनावी घोषणा पत्र जब कांग्रेस का जारी हो रहा था, लेकिन अब इसे लेकर लगातार सियासी तीर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर सवाल पूछा कि ऐसा ही काम क्यों करते हैं कि गाली आपको खाना पड़े, पहले भी बंटाधार हुआ और आगे भी बंटाधार होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए। खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी, तो पहले भी बंटाढार हुआ और बाद में भी बंटाढार ही हो गया, अब कांग्रेस का बंटाधार हो गया। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है, लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं।